मोह होता है। प्रिय दर्शनी अशोका, जय भीम साथी। जापान, जापान में हर सवेरे इस तरह की प्रेयर की जाती है।
जापान एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ 90 से भी ज़्यादा % लोग बुद्धिज्म है। जापान की प्रगति अमेरिका से भी ज़्यादा हुई है। दोस्तों, जापान जब बुद्ध बना तो अमेरिका से भी आगे गया। जापान की टेक्नोलॉजी इन्फो, आप जापान की ट्रेन की प्रगति, हमारी ट्रेन बड़े मुश्किल से 100 किलोमीटर तक दौड़ना चाहती है, जापान की ट्रेन एक घंटे में 700 किलोमीटर चलती है और बहुत प्रगति उनकी हुई है। उनके एजुकेशन सिस्टम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा विपरीत परिणाम हुआ है। प्यारे दोस्तों, जापान लविंग टोक्यो, हम जापान को जरूर जाना चाहिए। जापान की हर सिस्टम को हमने मानना चाहिए। दोस्तों, आओ हम जापान के प्रेर के साथ में आप लोगों का आज का सवेरे का सुंदर प्रेर के साथ में स्वागत किए हैं। आओ हम हमारी प्रेर से शुरुआत करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं Sangam Sharanam Gacchami.
साथियों, जापान लव इन टोक्यो, जापान के साथ में हमें जापान से भी आगे जाने की बात करते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में अंधविश्वास, पत्थरों की पूजा, मिट्टियों की पूजा, कुछ संत त्योहार, हमारे प्रगति आज जापान में गई है। सिंगापुर जाकर देखो, सिंगापुर की प्रगति जाकर देखो, जापान की प्रगति जाकर देखो, भूटान की शांति जाकर देखो। आइए दोस्तों, मैं आपको शौर कराता हूँ जापान लव इन टोक्यो। चलो कुछ सवेरे की कुछ विचारों के साथ में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपसे आज का सुबह आपकी कल्याणमय जाए, कुछ मुहावरों के साथ में, कुछ बातों के साथ में। दर्द कितने भी हो, दिल में मुस्कुराना चाहिए। दर्द कितने भी हो, दिल में मुस्कुराना रहिए। अगर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पुटने वाले कम मिलेंगे, वजह पुटने वाले अंबार लग जाएंगे। शोधायचे असेल तर तुमची काळजी करणाऱ्यांना शोधा, शोधायचे असेल तर तुमची काळजी करणाऱ्यांना शोधा, बाकी उपयोग करून घेणारे तुम्हाला शोधत येतील। नम्र असण्याचा अर्थ समाजाच्या नजरेत कमी प्रतिष्ठाचा होतो असे नाही, तर ते त्यांच्यामध्ये जीवनापेक्षा खूप मोठे चित्रण करते। एक म्हण आहे की आकाश ही नम्रतेची मर्यादा आहे, आणि कोणत्याही स्तरावर खाली झुकण्याची कोणतीही मर्यादा नाही। दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, ये जानने वाला भी विजेता होता है। टुडे इज द डे लाइफ इज टू एंजॉय विथ ए लाइफ इज टू एंजॉय विथ व्हाट एवर यू हैव विथ यू। कीप स्माइलिंग। गुड मॉर्निंग। मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उस पूरे आनंद के साथ ही जी रहा हूं, उड़ रहा हूं। श्रद्धा ध्यान देते, नम्रता मान देते आणि योग्यता साथ देते, पण तिन्ही मिळाले त्या व्यक्तीच्या दुनियात सन्मान देते। श्रद्धा ज्ञान देते, नम्रता मान देते आणि योग्यता स्थान देते, पण तिन्ही मिळाले तर त्या व्यक्तीच्या दुनियात सन्मान देते। बोलताना विचार करा, बोलून विचारात पडू नका। जीवनातील सर्वात मोठं अंतर म्हणजे एका मनापासून दुसऱ्या मनापर्यंत पोहोचणं। लोकांमध्ये चांगुलपणा आणि वाईटपणा दोन्ही असतात,
आपण काय शोधायचं हे महत्त्वाचं आहे. गुस्सा व मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर ही खत्म हो जाए. गुस्सा व मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर ही खत्म हो जाए. प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो लेकिन सदैव आसपास ही रहे. इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों के अपने भीतर देखना. इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों में अपने भीतर देखना. कसे आहात? दुसऱ्याची विचारपूस करणे ही भावना जरी छोटी वाटत असेल तरी कसे आहात? दुसऱ्याची विचारपूस करणे ही भावना छोटी वाटत असेल तरी तिच्यात माणुसकी भली मोठी ताकद लपलेली असते. लोक जेव्हा तुमच्या विरोधात बोलतील, आवाज वाढवतील, तेव्हा घाबरू नका. लोक जेव्हा तुमच्या विरोधात बोलतील, आवाज वाढवतील, तेव्हा घाबरू नका. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रत्येक खेळात प्रेक्षक आवाज करतात, खेळाडू नाही. खेळाडूला फक्त जिंकायचे असते. नमो बुद्धाय. प्रेम सम्मान और अपमान ये एक विवेश की तरह है. प्रेम सम्मान और अपमान ये एक निवेश की तरह है. जिस जितना ही दूसरों को देते हैं वो हमें जरूर बैस सहित वापस मिलता है. जीवन सर्वासाठी सारखे असते. फरक फक्त एवढाच असतो, कोणी मनासारखं जगतात तर कोणी दुसऱ्याचे मन जपून जगतात. जीवनात आपल्या कोणी टोकणारा असेल तर त्याचे उपकार माना. जीवनात आपल्याला कोणी रोखणारा टोकणारा असेल तर त्याचे उपकार माना. कारण ज्या बागेत माळी नसतो ती बाग लवकरच उद्ध्वस्त होते. अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है. इंसान क्रोध पाप हिंसा और झूठ को प्रेम सदाचार करुणा सत्य से जीत सकता है. नमो बुद्धाय. आनंद पैशावर नाही तर परिस्थितीवर अवलंबून आहे. एक जण गुलाब घेऊन खुश आहे तर दुसरा विकून खुश आहे. नमो बुद्धाय.
नमोस्तु गौतमा। ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ज्ञान दीप चेतवी कालवी तमा। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। हृदय अभवयान तेई को सही अंतरंग शांत कर जीवनात ये सकल लीन जाणन्यास भीम शक्ति दे अखिल मूल जाणन्यास प्रेम भक्ति दे। करि समर्थ एन रूपमा। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। नवनवीन रूप धर ये अज्ञता बुद्ध देव वार सज्ञातमूत्वता विषमान विषमतान अर्जुनि लोपली या जगात शिकवनी दिव्यापुली। बनि लोचनात दतली क्षमा। शरण संग शरण लोक साधना शुद्ध चित्त शुद्ध नीति शुद्ध भावना नवरात बिड़बुया जन समानता सदम पेश गई मानवा। धरुणी तू चले नमो बुद्धा है। मेरे प्यारे दोस्तों, फादर हाउस फादरों, आपको धम्म सकाल के लिए आमंत्रित करता है। मेरे साथियों, फादरों हर दिन एक तास आपके साथ में होता है। हमारे प्रवचन, हमारे विचार जो आपके साथ में होते हैं, फादर हाउस ये प्रज्ञा का केंद्र है, जहां प्रज्ञा शील और करुणा की मिलाप होता है। साथियों, इस धम्मसकाल में हम आपके साथ में हैं।
कुछ अच्छे विचारों के साथ में है, कुछ मनोरंजन के साथ में है। धम्म सकाल हर जन्म स्थिति, फिर वो कोई भी धम्म का हो, कोई भी संघ का हो, किसी भी प्रकार का हो। आपको हर सुबह एक नया आकार के साथ मन की जागृति करने के लिए ये हमारा केंद्र है। मेरे साथियों, आइए आप भी मेडिटेशन के साथ में अपनी शुरुआत करें। अच्छी प्रकृति, अच्छी संस्कृति होती है, अच्छे विचार, अच्छे आचार से आते हैं। फादर हाउस ज्ञान का मार्ग है, फादर हाउस सुसंस्कृतित मार्ग है। बरसात में बहुत सारे जीव जीवाणु होते हैं और जो खुश जीना चाहते हैं, कैसे जीवाणु बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं, ये सादी बात नहीं है। परिस्थिति के मान से कलर बदलाने वाले हर कीटक, हर प्राणी, छोटे छोटे जीवाणु हमारे बीच में हैं, वह हमें देखते हैं, वह हमें निहारते हैं। बहुत सारे जीवाणु हवा में हैं, हम उसे देख नहीं सकते, वह हमें देखते हैं। उसे तो पहली बार ही मालूम होता है कि मनुष्य क्या है, वो पहली बार मनुष्य के साथ में देखना पसंद करते हैं। आओ दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बरसात में वर्षावास किया, 4 महीने बरसात में किसी जीवाणु की हत्या ना हो, किसी प्राणी की हत्या नहीं हो, किसी पेड़ की हत्या ना हो। तो भगवान बुद्ध ने ये 4 महीने वर्षावास में आने वाली पूर्णिमा से आने वाले कुछ दिनों के बाद में इसका शुरुआत होगा। भगवान बुद्ध का मार्ग, सम्यक संबुद्ध का मार्ग जीवन को सुखी बनाने वाला मार्ग है। आपके धम्म सकाल बड़ी शांति के साथ में जाए। मैं आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। धम्म सकाल मराठी का गीत, आइए हम साथ में गाएं। धम्म भूमि वरा साूमि वरा पड़ा साथी सका सका। Thank you.
सेवा करता शील पालन करता करता मूल साधना करोल साधना जागृत का होता प्रज्ञा जागृत होता होता ज्ञान होता कबोल
Buddha was a spiritual teacher in Nepal during the 6th century BC, whose teaching became the foundation for the Buddhist religion. One of the most influential spiritual leaders of all time, Buddha, born with the name Siddhartha Gautama, was a philosopher who spoke extensively about the peace, like love, happiness, and death. The name of the Buddha itself means one who is awake or the enlightened one. This say, Dojo teaching inspired Buddhism, a practice and the spiritual development that the things of the meditation to change your life and become more. Dojo teaching inspired that Buddhism, a practice and the spiritual development that use things like meditation to change yourself and become more aware, kind and wise. Buddhism is seen as the path to enlightenment, which is the ultimate goal. Buddha himself was someone who is involved that. That's it. It is no surprise that the people enjoy reading and the following Buddha Kota and saying, which have also give birth to Buddha inspired quote. Here are some of the most inspiring quote from the Buddha, along the Buddha inspired quote. Namo Buddhaya. The disciplined mind bring happiness. Give even if you say only have a little. Give even if you only have a little. Conquer anger with non-anger. Conquer bitterness with the goodness. Conquer meanings with the generosity. Conquer dismissal. Drop by the drop. Drop by drop is the water pot filled. Likewise, the wise man gathering a liter by the liter fill himself with good. Those who climb the perceptions and views wonder the world is opting people. Let more find fault
with other, let none see the omissions and the commissions of other, but let one see one own act done and undone. Should a person do good, let him do it again and again. Let him find pleasure therein, for the blessing is the accumulation of good. Namo Buddhaya. Better it is a live one day, seeing the rise. Better it is to live one day, seeing the rise, and pull up things, than to live 100 years without your seeing the rise, pull up things. Namo Buddhaya. Mere dosto, the beautiful Buddha quotas. Satyo, Buddha ek shakti hai, Buddha vichar hai, na atma, na paratma.